आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। प्रश्न दिया गया, एक दुकानदार ने क्रय मूल्य को 20% बढ़ाकर अंकित मूल्य लिखता है, वह 10% की छूट देता है, तो वास्तविक उसको कितना लाभ हुआ है। ऑप्शन देखते हैं, पहला ऑप्शन दिया गया है हमें 12, दूसरा ऑप्शन दिया गया है 8, तीसरा ऑप्शन हमें 6 दिया गया है और चौथा ऑप्शन हमें यहाँ पर दिया गया है 9। तो हम मान लेते हैं कि वस्तु का जो क्रय मूल्य था, हमने मान लिया है कि क्रय मूल्य वस्तु का 100 रुपये रहा है। अगर वस्तु का क्रय मूल्य 100 रहा है तो इसने अंकित कितना किया है, तो अंकित मूल्य हमारे पास हो जाएगा 120% अधिक। और 20% अधिक का मतलब होता है यहाँ पर कि अगर 100 की चीज़ है तो 120 उस पर अंकित किया है। अब छूट देने के बाद वो बेच देता है तो इसका मतलब विक्रय मूल्य रहा होगा। वो कितने की प्रतिशत की छूट देता है, यहाँ पर वो 10% की छूट देता है। तो 120 का अगर आप 10% निकालना चाहते हैं तो 120 × 10/100 होगा, जो कि बराबर हमारे पास 12 की हो जाएगा। तो 12 की ये छूट देता है तो अब कितने में बिक जाएगी, ये 108 में बिक जाएगी। तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं कि इसका लाभ कितना हुआ है, तो लाभ की बात करते हैं तो यहाँ पर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य यानी 8 का हो जाएगा। और अगर यहाँ पर 8 रुपये का लाभ है तो लाभ प्रतिशत मुझे निकालना है, तो लाभ प्रतिशत बराबर कितना होगा, लाभ प्रतिशत बराबर होगा कितने का लाभ हुआ है बटे क्रय मूल्य हमारा 100 है, और प्रतिशत के लिए क्या कर देते हैं, गुना 100 कर देते हैं। तो 100 से 100 चला जाएगा, 100 से 100 जाने के बाद हमारे पास क्या प्राप्त होगा, लाभ प्रतिशत बराबर 8 या 8% का उसको लाभ हुआ है, जो इस प्रश्न का हमारे पास उत्तर रहा है। इसको हम ऑप्शन में देख सकते हैं, ऑप्शन में ऑप्शन नंबर 2 प्रश्न का सही उत्तर है। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।